हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय माता दी, जय देव धरती पाटर। तो मैं नवरत्न श्त्यान आज किश्तवाड़ जा रहा हूँ। अभी हम राम रास्ते से गुजर रहे हैं, तो यहाँ से शुरू हो जाता है राम रास्ता, षठ पेर कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आगे मैं आपको जो राम रास्ता है उसका ये दृश्य दिखाने जा रहा हूँ कि पाटर का रास्ता कैसा है और पहले क्या था। जो पहले क्या था उसको मैं बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए हमें जगह जगह पर रुकना पड़ेगा, लिहाजा वो अभी नहीं, वो दूसरी बार। तो अब की बार मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ जो ये हिली एरिया है, चट्टान जो है बड़े बड़े आसपास, बीच में चंद्रभागा नदी बहुत बड़ी वेग से बहती है गर्मियों में, लेकिन आज इसकी धारा जो कुछ है थोड़ी सी मध्यम धीमी पड़ गई है। तो ये है राम रास्ता का वो पोर्शन, वो भाग जिससे गुजर कर पुरातन पाटरवासी किश्तवाड़ जाते थे और किश्तवाड़ से वापस आकर अपने पाटर अपने घरों में जब पहुंचते थे तो लोग उनको बधाई देते थे। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी कि किश्तवाड़ पहुंचना, वहां से वापस आना सुरक्षित, तो बधाई वाली बात थी। अभी हम गुजर रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो आगे किश्तवाड़ की तरफ जा रहे हैं। तो अब अभी हम पहुंचे हैं कौशेड़ के पास। यहाँ दरिया से सीधी एक सीढ़ी लगी हुई थी जिसको कौशल कहते हैं। शल का मतलब है सीढ़ी हमारी पाटरी में। तो उसमें जब उतरते थे तो जब उसके तीन चार स्टेप रहते थे उस ठीक पानी में होते थे, तो हमें थोड़ा सा पानी में मतलब जौनों तक घुटनों तक हमें पानी में जाना था, यहाँ से नीचे सीधा यहाँ से नीचे। तो जौनों से होते जब वहाँ से पानी जब बाहर निकलते थे तो हमारी जो घुटने तक पानी होता था, तो आगे से निकलते थे हम इसको कौशेड़ जो क्रॉस करके आगे फिर लाघा पास। तो तब मैं किश्तवाड़ का ये सफर, आजकल तो बीकन ने इस मार्ग को थोड़ा सा बना दिया है, लेकिन पहले तो ये बहुत ही खतरनाक था, डर लगता था। जिस रास्ते पर पांव रखने से डर लगता था उसी का नाम पाटर एक धारणा में बताया गया है। तो अभी नई श्त्यान ड्राइव कर रहे हैं, मैं नवरत्न आपके साथ मिल रहा हूँ इस क्लिप के माध्यम से कि आज यहाँ पाटर का ये चट्टानी रास्ता देखो, कहीं से भी पत्थर गिर सकते हैं, इतना खतरनाक। पहले कितना खतरनाक होगा इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल चट्टानों को काट कर ये रास्ता बनाया गया, इसको हम पाटरी में रामोद कहते थे। रामोद, रामोद मीन यानी राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ना और हर कदम पर राम का नाम लेना। क्या पता है किस कदम पर क्या हो जाए, कोई पता नहीं होता था। तो चंद्रभागा के बिल्कुल हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, बाईं तरफ जो है चट्टानों को काट कर ये रास्ता बनाया गया है। ये आप हम अभी हम उस एरिया से गुजरते रहे हैं जहाँ पर लाघा पज, इस टीले के नीचे जो था लाघा पज कहते थे। लाघा पज मीन्स कि भाई जहाँ सी शहर जो जितना छलांग लगाता था उतने लोगों को छलांग लगाना पड़ता था, तो उसको छलांग तो नहीं लगा पाते थे लेकिन उस पर एक पज लगा दिया था। पज मीन्स एक पुली त्रंगणी जैसी बनाई थी, तो उसको लाघा पज पाटरी में कहा गया है। तो इसके ठीक स्टीले के बीच में वहां पर नीचे से दरिया बहता था और जब उसको क्रॉस कर लेते तो हम थी सीत यहाँ पर जो ये चिरड़ी नाम नाला आया है उस पर पहुंच जाते थे। तब चिरड़ी में बहुत बड़ी हिमानी होती थी, बहुत बड़ी बर्फ होती थी, आज तो छोटा सा पानी है यहाँ पर, देखो अभी है चिरड़ी। तो यहाँ से आगे फिर हम दूसरे नाले में पहुंचेंगे, लिद्रियाड़ी। बोल्डर किसी भी जगह पर गिर सकते हैं, कहीं भी थोड़ी सी भी कोई ऐसी बारिशें वगैरह अगर हों तो यहाँ
जो दरारें हैं चट्टानों की उनमें पानी चला जाता है और कभी भी ये गिर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पिछले दिनों एक बहुत बड़ी चट्टान गिर गई है, वो आप देख रहे हैं कितना बड़ा बोल्डर आया था, जबकि ये बिजली की तार है जो पाउडर को रोशनी देती हैं किस पाउडर से, तो कितनी ढीली है, इनको जबरदस्ती यहाँ पर ये जोड़ा गया है। तो पाउडर में बिजली जो है वो 15 दिन में 3 बार टूट जाती है, तो ये बहुत ही बड़ी एक विडम्बना है कि जब अगर इससे बेहतर था कि अगर हांसवाड़ प्रोजेक्ट बनाया होता था, जो कि एक माइक्रो छोटा सा प्रोजेक्ट था हांसेड़ी नाले पर, अगर वो बनाया होता था तो मेरे ख्याल में पाउडर से बिजली गुल नहीं होती थी, लेकिन क्या करें, हमारी पुरातन सरकार ने किश्तवाड़ से बिजली को पाउडर तक जोड़ा, तो देखो इन पोलों की, इन जो ये खंभे हैं इनकी क्या दुर्दशा है। तो सिरड़ नाले को क्रॉस करके हम आगे जब बढ़ रहे हैं इस चट्टानी रास्ते पर, तो हम लिदरियाड़ी जिसको कहा गया है, लेकिन इसको पाटली में लिदरिया कहते हैं, सकू में यार तो सर अस जिस लिदरिया में तो सेंटी कूट है अस जी लिदरिया कूट थे, तो उन गुफाओं में उन गुड्डों में रात काटते थे पहले। तो यहाँ पर ये जो मंदिर है, यहाँ से जो ब्रिज है, जय हो देव धरती पाउडर, तो यहाँ पाउडर की सीमा जो है समाप्त हो जाती है। इस पुल को, इस नाले को क्रॉस करके, लिदरियाड़ी नाले को क्रॉस करके हम अगर सर रहे हो नौक्सना ब्लॉक में शुरू हो रहे हैं। तो जय माता दी, मैं नवरत्न श्यान आपको पुरातन पाउडर के उस रास्ते से कभी फिर मिलाऊंगा, उस रास्ते पर जो जो दुश्वार गुजार पौड़ियां थी, पज थे, तरंगणियां थी, या जो भी ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीजें थी उनको मैं दिखाऊंगा। तब तक अपने नवरत्न, जो पाउडर का ये छोटा सा सेवक है, आपके लिए वीडियो अपलोड करता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप मुझको लाइक करते हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद, शुक्रिया, हो जी, जय राम जी की। तो पाउडर का राम रास्ता मैंने आपको दिखाया, ये आगे जो है नौक्सनी ब्लॉक, यहां से शुरू हो जाता है नौक्सनी का क्षेत्र। नौक्सनी का भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है नागों के नाम से, तो वो भी एक आगामी वीडियो होगी। तो आजकल तो यहाँ पर इसको डबल टू वेज बना दिया गया है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय माता दी, जय देव धरती पाटिल।